हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता और आज लेके आ गई हूं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है मोमोज। और आज हम बनाएंगे मोमोज बेहद ही शानदार और सिंपल तरीके से, और वो भी एकदम चटपटा। वैसे तो मोमोज बहुत तरीके से बनाई जाती है, पर आज हम लेके आए हैं सोयाबीन वाली मोमोज की रेसिपी। इसको आज हम बनाएंगे बेहद ही आसान और सिंपल तरीके से, और वो भी एकदम स्पाइसी। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए छोटा से छोटा वीडियो लेके आऊं, ताकि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मोमोज के साथ मोमोज वाली चटनी ना मिले तो फिर हमारा मोमोज का मजा ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हम मोमोज की रेसिपी नेक्स्ट डे डाल देंगे आपके लिए, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, क्योंकि एक साथ मोमोज और चटनी की वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आपके पास इतना समय है नहीं। तो हम सोचे कि दो छोटे छोटे वीडियो बना के एक चटनी और एक मोमोज की वीडियो हम आपके लिए डाल दें। तो हम मोमोज के बाद मोमोज की चटनी का भी वीडियो डालेंगे पर नेक्स्ट डे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपना मोमोज बनाना। तो सबसे पहले हम मोमोज बनाने के लिए मैदे को गूंथ लेते हैं। तो हमने ले लिया है एक बड़ा बर्तन और उसमें हम ले लिए हैं 250 ग्राम मैदा, और हम मैदे को पानी डाल के थोड़ा थोड़ा अच्छे से एक आटे जैसा डो तैयार कर लेंगे गूंथ कर। मैदे का डो हमें थोड़ा सॉफ्ट गूंथना है, जैसे हम रोटियां बनाते हैं ठीक वैसा ही हमें मैदे का डो तैयार करना है। मोमोज बनाने का और वीडियो डालने का मेरा तो बहुत दिनों से मन कर रहा था, पर मेरे पास मोमोज बनाने वाले बर्तन नहीं थे, इसलिए मैं दुविधा में पड़ी हुई थी कि मैं मोमोज कैसे बनाऊं। तो मेरे पास आज एक आइडिया आया, मैं उसी तरीके से आज मोमोज बनाऊंगी बिना मोमोज के बर्तन के। ये देखिए, हमने मैदे को अच्छे से गूंथ के एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब हम रख देते हैं इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए। और अब हम ले लेंगे एक प्लेट, लगभग 150 ग्राम हमने ले लिया है बड़े वाले सोयाबीन। अब हम ले लेंगे एक बाउल, और बाउल में हम सारा सोयाबीन डाल लेंगे, और फिर हम सोयाबीन में डाल लेंगे लगभग 2 ग्लास नॉर्मल पानी। अब हम पानी में अच्छे से सोयाबीन को 10 मिनट फूलने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा सोयाबीन फूल रहा है पानी में, तब तक हम सोयाबीन को फ्राई करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने ले लिया है एक बड़ा लहसुन, 4 से 5 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और एक छोटा सा हम ले लिए हैं प्याज। तो चलिए इन सब को हम अच्छे से साफ करके कटिंग कर लेते हैं। लहसुन को हमने अच्छे से छील लिया है, प्याज को भी हमने छील लिया है, अदरक को भी हमने छील कर बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, हरी मिर्च के हमने डंठल काट लिए हैं, और प्याज को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब लेंगे एक मिक्सर जार, और मिक्सर जार में हम कटे हुए प्याज को डाल के बिना पानी डाले ग्राइंड कर लेंगे। हम मोटा प्याज को पीसेंगे। ये देखिए, हम प्याज को अच्छे से ग्राइंड नहीं किए हैं, थोड़ा दरदरा और मोटा ही रखेंगे। अब हम प्याज को निकाल लेते हैं प्लेट में, और फिर हम इसी मिक्सर जार में डाल लेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को डाल के भी हम ठीक ऐसा ही मोटा दरदरा हम ग्राइंड कर लेते हैं। बिना पानी डाल के इन सबको हमें ग्राइंड करना है। चाहे तो आप कद्दूकस से भी इसको कद्दूकस कर लेंगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमने मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ किया है। चाहे तो आप अदरक कूटने वाले में भी अच्छे से मोटा दरदरा कूट कर इन सब का एक मोटा पेस्ट बना सकते हैं। ये देखिए, हमने लहसुन, मिर्चा, अदरक को भी मोटा ग्राइंड कर लिया है। अब इनको हम उसी प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं, और फिर हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती की भी कटिंग कर लेते हैं। और ये लीजिए, हमने धनिया की पत्ती भी कटिंग कर लिया है, और ये तैयारी हो चुकी है हमारी सोयाबीन फ्राई करने की। तो चलिए, अब हमारा सोयाबीन भी अच्छे से फूल चुका है, अब उसको हम पानी निचोड़ कर एक प्लेट में रख लेते हैं। ये देखिए, हम कैसे दोनों हाथों का यूज करके अच्छे से सोयाबीन को स्क्यूज कर रहे हैं, और सारा पानी हम निकाल दे रहे हैं, और फिर हम एक प्लेट में सारे रखते जा रहे हैं। ठीक वैसे ही हमें सारे सोयाबीन को स्क्वीज करके सारे पानी निकाल देना है। तो चलिए, हमने सारे पानी निकाल लिए सोयाबीन से। अब हम इन सोयाबीन को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अब ले लेंगे हम मिक्सर जार, और मिक्सर जार में हम थोड़ा थोड़ा सोयाबीन डालकर मोटा दरदरा सा हमें सोयाबीन को ग्राइंड कर लेना है।
सोयाबीन को हमें ज़्यादा महीन नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है, इसलिए मिक्सर को थोड़े थोड़े देर रोक रोक के चलाएं और बीच बीच में चेक करते चलें। और ये देखिए हमने सोयाबीन को कैसा मोटा दरदरा एकदम ग्राइंड किया है। तो चलिए इसको हम एक प्लेट में रख लेते हैं और बाकी बचे सोयाबीन को भी हम ऐसे ही मोटा दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। और ये लीजिए, देखिए हमने सारे सोयाबीन को अच्छे से मोटा दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब ये तैयार है सोयाबीन हमारा फ्राई होने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ और गैस पे रखेंगे एक पैन, ताकि उस पैन में हम इस मोमोज की स्टफिंग की अच्छे से फ्राई कर सकें। और जितना टेस्टी और स्पाइसी हमारा मोमोज का स्टफिंग तैयार होगा, उतना ही हमारा मोमोज अच्छा और टेस्टी लगेगा खाने में। और पैन हो चुका है गर्म और गैस है हमारा मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए अब हम पैन में डालेंगे 3 चम्मच तेल, और तेल गर्म हो जाने पर हम डालेंगे मिर्चा, अदरक, लहसुन जो हमने मोटा दरदरा ग्राइंड करके रखा था उसको हम डाल दिए। अब हम 1 मिनट उनको भूनने के बाद ग्राइंड किया हुआ प्याज को भी हम डाल देंगे और उनको भी हम 1 मिनट भूनेंगे। फिर हम पैन में डाल देंगे सारा ग्राइंड किया हुआ सोयाबीन। ये देखिए हमने सारे सोयाबीन को डाल दिया पैन में। अब हम इसमें डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक, और अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा काला नमक। फिर हम इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच वेनेगर, और फिर हम डाल लेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और फिर 1 चम्मच गरम मसाला जो कि हमने घर पे ही कूटकर बनाया है। फिर हम इन सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को रखेंगे मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट हम मसालों को अच्छे से सोयाबीन के साथ भून लेंगे, और फिर हम सोयाबीन के ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा धनिया के पत्ते जो कि हमने काट के रखे थे, और फिर हम अच्छे से कवर कर देंगे पैन को और लो गैस करके हम 5 मिनट पका लेंगे सोयाबीन को मसालों के साथ। तो लो जी, ये हमारी मोमोज बनाने की स्टफिंग तो तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को कर लेंगे बंद और चलेंगे अब हम मोमोज की स्टफिंग करने। हमने स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल के 1 चम्मच भी लगा दिया है, और अब हम ले लेंगे चकला बेलन, और छोटी कटोरी में हमने ले लिया है सूखा मैदा, और मैदे को हम अच्छे से चकले में लगा लेंगे ताकि हमारा मैदे का डो चकले में चिपके ना। और अब हम अच्छे से मैदा सूखा लगाकर हम डो को एक बार और सॉफ्ट कर लेते हैं। और ये लीजिए हमारा मैदे का डो एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब हम छोटी छोटी लोई काटकर छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेते हैं। हमें पूड़ियाँ एकदम पतली पतली बनानी है, जितनी पतली हो सके। ये देखिए हमने सारी लोइयाँ बना लिया है। अब हम एकदम पतली पतली गोल गोल पूड़ियाँ बेल लेते हैं। बहुत तो लोग को लगता है कि मोमोज बनाना बहुत हार्ड है, पर मैं आपको बता दूँ मोमोज बनाना बिल्कुल ही हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखा नहीं आपने कितना जल्दी हमने स्टफिंग तैयार कर लिया, और मैदे की हमें छोटी छोटी पूड़ी बनाकर उस सोयाबीन के स्टफिंग को भर के हमें छोटा सा एक पोटली बना लेना है। चाहे आप किसी भी शेप में बनाइए, मोमोज आपको उतना ही टेस्टी लगेगा। मोमोज बनाने की सारी सीक्रेट हमारी स्टफिंग में ही है, जो कि हमने सोयाबीन की स्टफिंग बनाई है। ये देखिए हमने कितनी छोटी छोटी और पतली पतली पूड़ियाँ बना ली है। अब हम एक पूड़ी को लेके अपने हाथ में एकदम सेंटर में हम थोड़ा सा स्टफिंग डालेंगे, और फिर हम साइड साइड से धीरे धीरे प्लेट डालते जाएंगे, जैसे हम कपड़ों में प्लेट डालते हैं ना, ठीक वैसे ही। कुछ नहीं करना है इसमें, हम साइड साइड से प्लेट डालते हुए लॉक करते चलना है। और ये देखिए हमने लॉक कर लिया। अब इसको हल्का सा घुमा के बस हल्का सा हमें पुश कर देना है ताकि हमारा मोमोज खुले ना। तो ये लीजिए हमने सारे मोमोज ऐसे ही रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ और गैस को कर लेते हैं ऑन, और उस पर रखते हैं हम एक दूध वाला भगोना, और भगोने में हम डाल लेंगे 1 गिलास पानी, और पानी गर्म हो जाने पर हम रख लेंगे भगोने पर 1 बड़ा छन्नी। जी हाँ, चौंकिए मत, आज हम इसी छन्नी में मोमोज बनाने वाले हैं। और अब हम एक कटोरी में ले लेंगे तेल, और थोड़ा थोड़ा हम मोमोज में तेल लगाते हुए सारे मोमोज को छन्नी में रखते जाएंगे। तेल हम इसलिए लगा रहे ताकि हमारे मोमोज
एक दूसरे में और छन्नी में चिपके नहीं। थोड़ा थोड़ा तेल लगा के हम सारे मोमोज को छन्नी में रख लेते हैं और एक प्लेट से हम अच्छे से कवर कर देंगे छन्नी को और 10 मिनट हम गैस मीडियम फ्लेम करके हम पका लेंगे मोमोज को। और 10 मिनट बाद हम ये देखिए प्लेट को हटा के चेक कर लेते हैं कि हमारा मोमोज पका है या नहीं। तो लो जी, हमारे मोमोज अब पक चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और ये देखिए कितना आराम से हमारे सारे मोमोज निकल रहे हैं छन्नी से और एक दूसरे में हमारे मोमोज चिपके भी नहीं है। क्यों नहीं चिपके हैं आपको मैंने बताया है, थोड़ा थोड़ा हमने तेल लगा दिया था सारे मोमोज में, इसलिए हमारे मोमोज चिपके भी नहीं और टूटे भी नहीं। और ये देखिए जी, हमारे सारे मोमोज छन्नी से निकल गए हैं बिना टूटे बिना चिपके। तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। हमने मोमोज को लाल वाली चटनी और धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है और हमने मोमोज के ऊपर थोड़े से धनिया की पत्ती से गार्निश कर लिया है। तो देखा आपने कितना सिंपल कितना आसान तरीके से हमने बिना मोमोज के बर्तन के भी मोमोज तैयार कर लिए घर पे। तो चलिए देर किस बात की, आप भी फटाफट मोमोज बना लीजिए और खुद भी खाइए और घर वालों को भी खिलाइए। मोमोज की इस वीडियो के बाद मैं दूसरा वीडियो मोमोज की चटनी का डालने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके ज़रूर से ज़रूर उस चटनी का वीडियो को देख लीजिएगा। और मार्केट में जाके क्यों खाना, आप अपने घर पे बनाएं और घर पे खाएं ताकि हमारा हेल्थ भी स्वस्थ रहे। और अब हम चलते हैं आपके लिए न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी की तैयारी में। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।